हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बेसिक मेडिकल प्रैक्टिस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाई रिस्क मेडिसिन या हाई अलर्ट ड्रग क्या होता है व हाई अलर्ट ड्रग पॉलिसी क्या होती है। तो हम बात करते हैं हाई अलर्ट ड्रग के बारे में। हाई अलर्ट ड्रग वो ड्रग होते हैं जिसे पेशेंट को देने से उसकी जान पर खतरा बन सकता है। इस तरह की जो मेडिसिन रहती है वो लाइफ थ्रेटनिंग रहती है, जो पेशेंट के सडनली जो वाइटल्स वगैरह उसे चेंज कर देती है। इस तरह की जो हाई रिस्क मेडिसिन है जैसे इंसुलिन, हेपेरिन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडा बाइकार्ब, पोटेशियम क्लोराइड, ये काफ़ी हार्मफुल होती है। यदि इसे हम केयरफुली नहीं दें तो पेशेंट की जो कंडीशन है उसको सडनली क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि जो इस तरह की मेडिसिन है उसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। जो हाई रिस्क मेडिकेशन रहती है उन्हें हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए ये एक वार्ड है, यहाँ पे चार पेशेंट एडमिट है, ए बी सी और डी। तो पेशेंट एडमिट है उनको हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी। अब यहाँ पे सिस्टर मीना वर्किंग है, मतलब सिस्टर मीना की यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है। अब सिस्टर मीना से डॉक्टर ने बोला है कि सिस्टर मीना आप ए पेशेंट को जाके 4 यूनिट इंसुलिन देखना है। तो यहाँ पे मीना सिस्टर क्या करेंगे, इंसुलिन नोट किया उन्होंने और वो कहाँ पे जा रही है, ए पेशेंट के पास इंसुलिन लेके जा रही है लगाने के लिए। अचानक से मीना सिस्टर की फ्रेंड आ जाती है जो भी उस साइड वाले वार्ड में वर्किंग है, मान लीजिए सीमा सिस्टर आ गई। अब सीमा सिस्टर क्या है, मीना सिस्टर से बातें करने लग गई कि आप कल क्यों नहीं आए ड्यूटी, कल कहाँ थे। मीना सिस्टर फ्लैशबैक में चली गई, कल तो मैं वहां गई थी, मार्केट गई थी, शॉपिंग करने गई थी, ये सब बात करने। तकरीबन 10 से 15 मिनट बात करने के बाद मीना सिस्टर कहाँ जाती है, पेशेंट बी के पास पहुंच गई। जो ए का बोला था डॉक्टर ने मीना सिस्टर भूल गई और वो बी के पास चली गई और बी पेशेंट को क्या है, इंसुलिन उन्होंने दे दिया 4 यूनिट। अब इससे क्या होगा, जो बी पेशेंट है जिसको इंसुलिन नहीं देना था उसे इंसुलिन दे दिया तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाने लगेगा और सडनली कोमा में भी जा सकता है। जो ए पेशेंट था जिसको इंसुलिन देना था उसको तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका शुगर कुछ बढ़ेगा ताकि उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसको नहीं देना था उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये होता है हाई रिस्क मेडिकेशन, इसको हम मेडिकेशन इरर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मेडिकेशन जो देना था वो प्रॉपर पेशेंट को हमने नहीं दिया, तो क्या हो गया मेडिकेशन इरर। इसके ऊपर एक डीपली हम वीडियो बनाएंगे, तो आने वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे। अब हम सेकेंड सिनेरियो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में क्या देखा अभी हमने, जो इंसुलिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा था और जो मीना सिस्टर है उन्होंने गलती से बी पेशेंट को दे दिया। सेकेंड वाला सिनेरियो है उसमें क्या होगा, डॉक्टर ने पेन किलर एडवाइस किया है पेशेंट सी के लिए, डॉक्टर ने मीना सिस्टर से बोला सी पेशेंट को जाके पेन किलर दे दो। वही मीना सिस्टर जा रही है, अचानक से उनको फ्रेंड मिल गई, उनसे 10-15 मिनट बात करने के बाद में गलती से मीना सिस्टर भूल गई कि सी को देना था, उन्होंने गलती से जाकर डी को पेन किलर दे दिया। तो उन्होंने यहाँ पे गलती से किसको दे दिया, डी पेशेंट को पेन किलर दे दिया। तो इसमें ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो हमारी इंसुलिन थी ये हाई रिस्क मेडिकेशन है, इससे बी पेशेंट को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। मतलब जो हाई रिस्क मेडिकेशन रहती है वो लाइफ थ्रेटनिंग रहती है, इसमें जो सडनली वाइटल्स वगैरह चेंज हो जाते हैं पेशेंट कोमा में जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये जो सेकंड सिनेरियो में उसने क्या है, पेन किलर हमारी हाई रिस्क मेडिसिन नहीं है, इसलिए इसमें जो डी पेशेंट है उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा जिसको गलती से दे दिया। आई होप इस सिनेरियो से आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि कौन कौन सी मेडिकेशन हाई रिस्क मेडिकेशन में आती है, मतलब जिससे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाए पेशेंट की, सडनली उसके वाइटल्स वगैरह चेंज हो जाए, इस तरह की जो मेडिसिन रहती है वो हम हाई रिस्क कैटेगरी में उसको मेंशन करते हैं। इस एग्जांपल में हमने दोनों सिनेरियो डिस्कस किया। जो फर्स्ट सिनेरियो था उसमें सिस्टर ने क्या किया, जो इंसुलिन इंजेक्शन था वो गलत पेशेंट को दे दिया, जिससे क्या हुआ उस पेशेंट का जो सडनली हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया की वजह से क्या हो सकता है वो कोमा में भी जा सकता है। देन जो सेकेंड सिनेरियो था उसमें पेन किलर पेशेंट को देना था, उन्होंने गलत पेशेंट को दे दिया, बट उससे उस पेशेंट की जो कंडीशन है उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया। मतलब जो इंसुलिन है वो हाई रिस्क मेडिसिन है, जो हाई रिस्क मेडिसिन रहती है उससे पेशेंट की जो कंडीशन है उसमें क्या होता है, सडनली चेंजेस हो जाता है। अब हम देखेंगे जो हाई रिस्क मेडिसिन या हाई अलर्ट ड्रग की जो पॉलिसी होती है वो क्या होती है। जो हाई अलर्ट ड्रग पॉलिसी है उसमें सबसे फर्स्ट है, जहाँ पे भी हम इस तरह की मेडिसिन को कैरी करके रखते हैं, जैसे हमारा क्रेस कार्ड हुआ या मेडिसिन स्टोर रूम हुआ, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रेड कलर का स्टिकर लगाते हैं या टैग लगाते हैं,
जिससे क्या पता चल जाता है कि इस तरह की जो मेडिसिन है वो हाई रिस्क जोन में आती हैं, तो उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देन सेकंड क्या है, चेक बाय टू स्टाफ। इस तरह की मेडिसिन जो रहती है उसे हमें देने से पहले क्या करना है, दो स्टाफ के द्वारा उसको वेरीफाई करवाना है। जो हमारे मेडिकेशन के 6 राइट होते हैं उसको फॉलो करना है। जो हमारा पेशेंट होता है, राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट डोज होना चाहिए, ये सब कुछ हमें उसमें देखना है। और जो हमारा सेकंड स्टाफ है, जैसे किसी वार्ड में 2 स्टाफ है, तो जो सेकंड स्टाफ है उससे क्या करवाना है, उसको वेरीफाई करवाना है। यदि स्टाफ नहीं है तो क्या करवाना है, जो डॉक्टर वहाँ के उनसे हमें वेरीफाई करवाना है कि जो इंसुलिन वगैरह हम इंजेक्शन दे रहे हैं ये वही है या इसका जितना डोज है डॉक्टर ने लिखा हुआ है उतना ही है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, डबल स्टाफ के द्वारा वेरीफाई करवाना है। देन सेकेंड क्या है, साइन बाय टू स्टाफ। अब हमें क्या करना है, जहाँ अभी हमने क्रॉस चेक करवाया जिस स्टाफ के द्वारा, अब उसके क्या करवाना है, साइन करवाना है। जो भी हमारा मेडिकेशन चार्ट है उसमें जिस स्टाफ से हमने क्रॉस चेक करवाया है उसके साइन करवाना है। मतलब 2 स्टाफ के साइन होना चाहिए आपके। इस तरह की जो हाई रिस्क मेडिसिन होती है, एक तो जिसने मेडिसिन पेशेंट को दिया है और सेकंड वो जिसने क्रॉस चेक किया है, इस तरह डबल स्टाफ साइन उसमें कंपलसरी रहता है। देन इसके बाद में हमें क्या करना है, जो भी हमने मेडिसिन दी है उसके बाद में हमें पेशेंट को मॉनिटर करना है। मतलब उसके वाइटल्स वगैरह चेक करते रहना है, कुछ उसकी जो कंडीशन वगैरह है एबनॉर्मल तो नहीं हो रही है, इस तरह से पेशेंट को हमें मॉनिटर करना है। आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे हाई रिस्क मेडिसिन या हाई अलर्ट ड्रग क्या होता है व इसकी पॉलिसी क्या होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।